21 देखो, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक याद करें जिसके शीर्ष यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने हैं। चलिए देखते हैं, एक त्रिभुज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, और इसका नाम दे देता हूँ यहाँ ए बी सी। अच्छा, इसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं 9.2, बी है आपका 1.10 और सी है आपका -7, -6, ठीक है। तीनों हम लोग देख लिए यहाँ पर। इसके बाद देखो, तो पहले हमें इसका केंद्रक निकालना है। अच्छा, चूंकि ये भी कह रहा है कि त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, तो मैं पहले ही मान लेता हूँ कि भुजाओं के मध्य बिंदु पी क्यू और आर, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी में ए बी बी सी और ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू और आर है, ठीक है। हम लोग यह मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक निकालना है। चलिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 + 1 - -7 और बटा में 3। फिर हो जाएगा आपका 2 + 10 + -6 और बटा में आपका 3। चलिए देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ देखो, 9 × 1 = 10, 10 में से 7 गया, आपका 3 हो जाएगा, 3/3। और यहाँ देखो, 10 × 2 = 12, 12 में से 6 गया, 6/3। चलिए, यहाँ कट जाएगा 2 बार में, यहाँ 1 बार में, यानी कि 1.2 इसका निर्देशांक आ गया। 1.2 इसका निर्देशांक गया किसका? केंद्रक का। तो त्रिभुज का केंद्रक हमारा निकल गया, ठीक है। यहाँ से हमने केंद्रक तो निकाल दिया, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद क्या करें, इनके भुजाओं के मध्य बिंदु। चलिए, तो चूंकि आपका P मध्य बिंदु है ना AB का, तो पहले P का निर्देशांक निकालते हैं। P का निर्देशांक तो P का निर्देशांक इसके A और B के अनुसार निकालेंगे ना, A और B के अनुसार, क्योंकि P AB का मध्य बिंदु है। तो जाएगा 9 + 1/2 और 2 + 10/2। चलिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर? 10/2 और यहाँ पे 12/2 कट जाएगा, यह 5 बार में और यह 6 बार में। 5.6 पी का निर्देशांक आ गया। इसका निर्देशांक आ गया 5.6। उसी तरह से क्यू का निर्देशांक बिंदु क्यू का निर्देशांक क्या होगा? तो वह बीसी का मध्य बिंदु है ना, तो हो जाएगा आपका 1 + -7/2 और 10 + -6/2। यही ना होगा आपका? चलो, यहाँ पे देखो, आप घटाओगे, यहाँ घटाओगे, आपका माइनस का 6 आ जाएगा। चलो, ये 2 है आपका, समझ रहे हो ना। चलिए, माइनस का 6/2 और यहाँ आ जाएगा आपका 4/2, ठीक है। चलिए, तो यानी यहाँ 3 बार में और यहाँ पर 2 बार में, यानी कि -3 + 2। इसका निर्देशांक आ गया -3.2। चलिए, अब आर का निर्देशांक निकालते हैं। बिंदु आर का निर्देशांक, तो एसी का मध्य बिंदु है, तो हो जाएगा 9 + -7/2 और 2 + -6/2। चलिए, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 2/2, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, -4/2। चलिए, इसको काट दिए एक बार में, इसको 2 बार में, यानी कि 1, -2। इसका निर्देशांक आ गया 1, -2। तो हमने तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं का निर्देशांक निकाल लिए। चलिए, अब देखो, अगर आपसे पूछता कि इनके द्वारा, ये आपका क्वेश्चन बन गया, अगर इसमें पूछ देता कि यहाँ से इनके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है इसका केंद्रक निकालें, तो इसका भी केंद्रक कोई होगा ना जी, क्योंकि ये भी तो एक त्रिभुज है, तो इसका केंद्रक निकालोगे तो देखो क्या आएगा, 5 × 6, 6 में से यह 3 घट जाएगा, 3/3 यानी कि 1, 3/3 यानी कि 1, और 6 × 2 = 8, 8 में से 2 गया, 6 और 6/3 यानी कि आपका 2, तो इसका भी केंद्रक 1 और 2 ही आ जाएगा। तो देख रहे ना, त्रिभुज ए बी सी का भी केंद्रक 1.2 है और इनके भुजाओं के मध्य बिंदुओं से जो आया त्रिभुज उसका भी केंद्रक 1.2 है, ठीक है, यानी कि दोनों का केंद्रक समान होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। त्रिभुज का केंद्रक और उस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का केंद्रक, दोनों का केंद्रक समान होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि अगले क्वेश्चन में ये यूज होने वाला है। चलिए, आ गया क्वेश्चन नंबर 22।